हेलो दोस्तों, मैं सुमित आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर कस्बे। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मैं बिना किसी ऐप के मेरे फ़ोटो कैसे एडिट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, मैं जो मोबाइल यूज़ करता हूँ वो वीवो Y11 है। इसमें जो एडिटिंग का फीचर है उसके माध्यम से मैं एडिट करता हूँ मेरे फ़ोटोज़ को। हो सकता है कि आपके मोबाइल में कोई और फीचर हो एडिटिंग का, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको जो है आपकी फ़ोन गैलरी ओपन करनी है। मैं मेरी फ़ोन गैलरी ओपन कर लेता हूँ। इसमें आपको एक फ़ोटो चूज़ करना होगा। अब समझिए, ये फ़ोटो मैंने ले लिया, अब मुझे इसको एडिट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला ऑप्शन आ रहा है शेयर का, दूसरा ऑप्शन आ रहा है एडिट का। तो एडिट पर हम क्लिक कर लेंगे। इसमें अगर आप चाहे तो फ़ोटो कट कर सकते हैं या फिर इसे रोटेट कर सकते हैं। मुझे फ़ोटो कट नहीं करना है, जितना है बस उतना ही रखना है। तो दूसरा जो ऑप्शन है फ़िल्टर का, इसमें हम जाएंगे। जब इसको हम क्लिक कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको ढेर सारे फ़िल्टर के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो मैं जो अभी यूज़ करने वाला हूँ वो है जापनीज़ ऑप्शन में आपको जाने का है। जापनीज़ ऑप्शन में जाने के बाद आपको थर्ड ऑप्शन आएगा रिफ्रेशिंग का, इसमें आपको क्लिक करना है। अब देखिए, पहले जो फ़ोटो था वो ब्लैक था, अभी जो है पूरा उसमें ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ गई है। तो इसमें जो है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं रिफ्रेशिंग, मैं ज़्यादा कर लेता हूँ। अब इसको हम सेव करके रखेंगे। ये करने के बाद इसमें आपको लाइट इफ़ेक्ट का भी ऑप्शन आता है, अगर आप चाहो तो इसमें लाइट भी दे सकते हो। अभी लाइट पे क्लिक करने के बाद इसमें फोर्थ नंबर का जो ऑप्शन है स्टेरी ग्लो, इसमें मैं क्लिक करूँगा। अब देखिए फ़ोटो में लाइट आ गई है, तो इसको हम साइड में रख लेंगे अच्छा दिखने के लिए। थोड़ा कम कर लेता हूँ जी, अब ये आ गए। तो अब अगर आप चाहो तो दूसरी भी लाइट यूज़ कर सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए दोस्तों, इसको यहाँ पर रख दिया। अभी जो है हमें ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद एम्बिएंस इन्हेंसिंग का ऑप्शन आएगा, इस पर हमको क्लिक करना है। और पहला जो इन्हेंस है उस पर हमें क्लिक करना होगा। ये करने के बाद देखिए ये फोटो का जो इन्हेंस है वो चेंज होता जाएगा। मैं इसे थोड़ा सा ही बढ़ाऊँगा, ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगा। इसके बाद हाईलाइट डिटेल जो है उस पर हम क्लिक करेंगे। आप जितना डिटेल्स को हाईलाइट करना चाहते हो उतना आप कर लीजिएगा, मैं इतना कर लेता हूँ। इसके बाद जो डेहेज का ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करेंगे थर्ड ऑप्शन पर। देखिए अगर आप ज़्यादा करते हो तो ये थोड़ा काला हो जाता है फ़ोटो, अगर आप बढ़ाते तो ये ब्राइट हो जाता है। हम इसे थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे, बढ़ाएंगे। ये होने के बाद अब मुझे ऐसा फ़ोटो चाहिए तो मैं आप ओके पर क्लिक कर लूँगा। इसके बाद आपको एडजस्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। फिर एक्सपोजर जो है फर्स्ट वाला उस पर आपको क्लिक करना है। आप जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो, मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ। ये होने के बाद अभी अगर आपको ब्राइटनेस बढ़ानी है तो आप ब्राइटनेस भी बढ़ा सकते हो, सेकेंड ऑप्शन ब्राइटनेस का है। देखिए दोस्तों, अगर ज़्यादा ब्राइटनेस करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ जी, इतना ओके है बस। अगर आप चाहो तो कॉन्ट्रास्ट भी इसमें बढ़ा सकते हो, थर्ड ऑप्शन कॉन्ट्रास्ट का है। देखिए ज़्यादा बढ़ेंगे तो अच्छा नहीं दिख रहा, इसलिए हम इसको कम ही कर लेंगे। इसके बाद अगर आप चाहो तो शार्पनेस जो है उसमें दे सकते हैं, इसमें आपकी डिटेल्स हाईलाइट होती है। हम इसको ज़रा कम ही कर लेंगे जी। इसके बाद जो है वो सेटुरेशन है, अगर आप चाहो तो ये भी बढ़ा सकते हो, इससे कलर जो है वो ज़्यादा डार्क दिखता है, लेकिन हम ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, हम थोड़ा इसको कम ही रखेंगे। जितना आपको अच्छा लगे उतना आप ओके कर सकते हो इसमें। इसके बाद आपको कलर टेम्परेचर का भी ऑप्शन दिया जाता है, इसमें अगर आप चाहो तो इसमें टेम्परेचर ज़्यादा कर सकते हो या फिर कम कर सकते हो। कम करेंगे तो बहुत ज़्यादा नीला हो जाता है, और अगर ज़्यादा करेंगे तो इसमें अलग कलर आ जाते हैं। इससे अच्छा हम इसको कम ही रखेंगे, मैं इसको 8 पे रखता हूँ। और इसमें डार्क कॉर्नर का भी ऑप्शन दिया जा रहा है दोस्तों। डार्क कॉर्नर मतलब ब्लैक ब्लैक जो कॉर्नर आता है साइड में वो होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार।
इतना हम इसको ओके कर लेंगे, ठीक है। और फिर इसमें अगर आप चाहो तो एक बार फिर से लाइट इफेक्ट दे सकते हो अपनी मर्जी से, मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसको आप जितना भी कम ज़्यादा चाहोगे उतना आप कर सकते हो। ये होने के बाद आपको ओके करना है, फिर अगर आप चाहो तो इसमें बॉर्डर भी दे सकते हो। देखिए दोस्तों, आप जो कलर चाहो, ब्लैक, वाइट, पिंक, जो कलर आप चाहते हो वो आप दे सकते हो, मैं वाइट ही दूंगा। इसमें आप अगर चाहो तो ये इमेज जो है उसे आप बढ़ा दीजिएगा, मैं इस इमेज को इतना कर लेता हूँ। ये होने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों, भी मैं आपको दिखाता हूँ, पहले जो हमारा फोटो था वो ऐसा दिख रहा था, एडिट होने के बाद में वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो अब इसको जो है हमें सेव करके लेना है। तो देखिए दोस्तों, पहले हमारा फोटो जो था वो ऐसे दिख रहा था, अब जो एडिट होने के बाद में है वो ऐसे दिख रहा है जी। तो आप देख सकते हैं कि बिना किसी एडिटर की मदद से, मतलब कोई भी ऐप यूज़ किए बिना, हम मोबाइल एडिटर से भी फ़ोटो एडिट कर सकते हैं जी। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों, मैं आपको और एक जानकारी देना चाहूँगा कि मैं जो पबजी लाइट खेलता हूँ तो उसमें मैं चाहता हूँ कि मैं पबजी लाइट को हिंदी डब कर सकूँ फनी ऑडियो में। तो अगर आपको इसके बारे में कोई राय देनी है तो आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप कमेंट कर सकते हो, हाँ या ना करके जी, जो भी आपका कमेंट रहेगा वो हम देख लेंगे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल के साथ बने रहेगा, आपका दिन शुभ हो।